हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। पिछले वीडियो में मैंने पूरा का पूरा महाकाल कॉरिडोर दिखाया था। इस वीडियो में मैं आपको महाकाल ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेंगे और उनके दर्शन में आपको भी कराऊंगा। इस गेट से आपको एंट्री करना होगा। शूज वगैरह आपको ये जो गेट दिख रहा है इसके ठीक बिल्कुल सामने है, ठीक है। तो यहाँ पर आप शूज वगैरह अपने उतार कर रख सकते हो। सरकारी व्यवस्थाएं बनी हुई है, टोकन मिलता है और आप अपने शूज रखिए, फिर टोकन वापस लाइए, वहाँ से ले जाइए। तो ये कुछ सीन यहाँ का है। चलिए फिलहाल महाकाल बाबा के दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। कोई भी इससे जुड़ा क्वेश्चन होगा नीचे कॉमेंट सेक्शन पर आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ से हमें एंट्री करना होगा गाइस, यहाँ से हम एंट्री करेंगे, ठीक है। और ये अंदर जाने का गेट है, महाकाल बाबा का दर्शन करने के लिए ये गेट है। और इधर जूते चप्पल वगैरह उतारने की व्यवस्था की गई है, तो आप उतार सकते हो आराम से, ठीक है। तो चलिए फिलहाल सोच रखते हैं और चलते हैं दर्शन करने के लिए। तो गाइस फिलहाल जो है महाकाल बाबा के दर्शन करने के लिए अब हम अंदर आ गए हैं। यहाँ कुछ देख सकते हो साइड साइड में पेंटिंग वगैरह बनाई गई है। जब क्राउड ज्यादा हो जाता है उसके लिए सारी की सारी चीजें बनाई गई है, देख सकते हो। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। हाँ, उज्जैन घूमना है इंदौर से। अच्छा, इंदौर से आए हो? आप किधर से भैया? मैं तो इंदौर से, मैं भी आया हूँ। इंदौर में किस जगह से? भवरकुआ। मैं भवरकुआ, परदेशीपुरा। परदेशीपुरा में। अच्छा, चलो बढ़िया है ना। तो गाइस फिलहाल जो है यहाँ की पेंटिंग्स वगैरह आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर पेंटिंग लगाई गई है। ये देखो, अभी जो है ये नया मार्ग बना है। ये म्यूजिक की ध्वनि आपको सुनाई दे रही है, म्यूजिक की ध्वनि ये आपको पूरे कॉरिडोर में सुनाई देगी। हर जगह साउंड लगे हुए हैं, तकनीकी का विशेष इस्तेमाल किया गया है हर जगह। पानी पीने की काफ़ी सुंदर व्यवस्था है, ये यहाँ पर फिल्टर लगा है। तो अभी हम पानी पिएंगे और इसके बाद महाकाल बाबा के दर्शन करेंगे। इस जो पुराना वाला रास्ता था गाइस, वो ये वाला था, ठीक है। इधर से आप आया करते थे पुराना वाला जो रास्ता है, ठीक है। चलिए फिलहाल चलते हैं। अभी यहाँ पर काफ़ी सारा काम बाकी है गाइस, यहाँ पर बहुत ही अच्छे से बन जाएगा तो ज़्यादा क्राउड होगा नहीं। फिर अब हम पहुँचने वाले हैं महाकाल बाबा के दर्शन करने के लिए। तो बिल्कुल आ गए हैं नीचे। अगर आपने अभी तक भस्म आरती नहीं देखी है तो भस्म आरती सुबह 4 बजे से स्टार्ट होती है, 4 से 6, 2 घंटे या 1 घंटे, ठीक है। मैं आ चुका हूँ उसमें, उसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, वहाँ उसको देख सकते हो आप भस्म आरती वाले, ठीक है। और भस्म आरती का टिकट आपको 1 महीने पहले बुक करना होगा, वो महाकाल वाले साइट में ऑनलाइन होगी। गाइस फिलहाल जो है दर्शन हो गए हैं महाकाल बाबा के, वहाँ पर अभी मैंने आपको दिखाया। तो चलिए फिलहाल जो है आप यहाँ कुछ सीन देख सकते हो, यहाँ पर आप थोड़ी देर आराम से बैठ सकते हैं, काफ़ी सारे लोग बैठे हैं। यहाँ पर वो लाइन देख रहे हो ना, लाइन के बगल में एक और रास्ता है जो कि पास से दर्शन हो जाएंगे, उसमें 250 रुपीज़ का चार्ज अलग से लगता है। तो गाइस फिलहाल जो है आ गए हैं हम मंदिर के बिल्कुल बाहर, कुछ इस प्रकार से सीन देख सकते हो आप। मंदिर परिषद का प्रसाद यहाँ पर मिलता है बिल्कुल। ये जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो मंदिर है ना, इसके जस्ट सामने मंदिर परिषद का प्रसाद शुद्ध देसी घी से निर्मित, पूरे भारत में नंबर 1 पर रैंकिंग मिली है इसको। तो यहाँ पर जो है आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं, 200 ग्राम 70 रुपीज़, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप जो है यहाँ का सीन देख सकते हैं। तो गाइस फिलहाल की वीडियो में इतना ही। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। भाई जाना अरे यहाँ बुला लिया।